बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अबू ज़बी पर दूसरे हमले के बाद हौज़ी मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत दफा ने कहा है कि इमाराती F-16 तैयारे ने यमनी सूबे अलजोफ में हौज़ी मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिया। पीर की सुबह इमारात की सरकारी मीडिया ने हौज़ी मिसाइल हमले को नाकाम बनाने की खबर दी। अबू ज़बी में तबाह किए गए मिसाइल के टुकड़े गिरने से किसी की ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। मुत्तहिदा अरब इमारात के वज़ारती दफा ने कहा कि हर ख़तरे का मुकाबला करने के लिए तैयार है और रियासत को हर किस्म के हमलों से बचाने के लिए ज़रूरी इकदामात कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अबू ज़बी पर ईरानी हिमायत याफ्ता हौज़ी मलेशिया के ड्रोन हमले में 3 अफराद मारे गए थे, जिस पर आलमी बरादरी का सख्त रद्देअमल सामने आया था। दुनिया भर में आम शहरियों के खिलाफ हौज़ियों की कार्रवाइयों की मजम्मत की गई थी। दूसरी जानिब पीर को अलसुबह सऊदी अरब के जनूबी सूबे कीसर को निशाना बनाने वाले हौज़ी बेलस्टक को मिसाइल को तबाह किया गया। इसके बाद इत्तेहादी अफवाज ने अलजोफ में हौज़ियों के मिसाइल लॉन्च बे को निशाना बनाया। इतवार को जाज़ान पर हौज़ी मिसाइल हमले में 2 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। अमरीका में मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर ने कहा है कि अबू ज़बी में ईरान की हिमायत याफ्ता हौज़ी बागियों के हमलों में क्रूज़ मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। एक न्यूज़ के मुताबिक ये पहला मौका है कि इमारात ने कहा है कि पीर को होने वाले हमलों में मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जिनमें 3 अफराद हलाक और 7 ज़ख्मी हुए थे।